वैक्सीन की कमी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल के आयु वर्ग वाले लोगों के लिए आज टीकाकरण रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र द्वारा दी गई COVID-19 वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए आज से दिल्ली में युवाओं के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि सरकार तुरंत सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का आदेश दे। केजरीवाल ने कहा, आज मेरे पास एक खुशखबरी भी है और एक चिंता की भी बात है। दिल्ली में कोरोना के मामले काफ़ी कम हुए हैं। यहां अब 2200 केस आए हैं, लेकिन खतरा अभी भी है, लिहाजा सुरक्षा उपाय अपनाना जारी रखें। हालांकि आज से हमें दिल्ली में युवाओं के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ा है। केंद्र के द्वारा दी गई वैक्सीन खत्म हो गई है, हमने केंद्र को भी लिखकर बताया है, साथ ही वैक्सीन भी मांगी है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज चाहिए, लेकिन मई में सिर्फ 16 लाख डोज मिले हैं। केजरीवाल ने आगे यह कहते हुए कि कोरोना को रोकने में टीका सबसे असरदार तरीका है और दिल्ली में अभी 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है, केंद्र को कुछ सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार तुरंत सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का आदेश दे ताकि ज्यादा से ज्यादा टीके मिल सकें। सरकार को अगले 24 घंटे में यह आदेश दे देना चाहिए, साथ ही सभी विदेशी टीकों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुछ देशों के पास ज़्यादा वैक्सीन है, लिहाजा भारत सरकार को उनसे वैक्सीन मांगने चाहिए।